हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि सी लैंग्वेज में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कैसे यूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि एक ऐड कर देना। अगर सपोज कीजिए यूजर ने नंबर इंटर किया 5, तो उसमें एक ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। ठीक है, और डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एक माइनस कर देना, एक सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर यूजर ने एंटर किया 5, तो एक सब्ट्रैक्ट करके उसका आंसर आएगा 4। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो कोड ब्लॉक को मैं ओपन करता हूं। सबसे पहले कोड ब्लॉक पे, और यहां पर मैं हेडर फाइल बनाता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। अब यहां पर क्या करता हूं, मैं int main लगा देता हूं, यानी main फंक्शन। आप void main का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब int main लगाया हमने, यहां पर integer टाइप की एक वैल्यू a ले ली हमने। ठीक है, वेरिएबल बना लिया हमने a। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको देना है printf, तो यहां printf दे देते हैं। और यहां पर लिखेंगे वो मैसेज जो यूजर को डिस्प्ले होगा ऑन द स्क्रीन, एंटर अ नंबर। तो यूजर कोई नंबर एंटर कर पाएगा, और वो नंबर यूजर एंटर करेगा, दैट्स व्हाई यहां स्कैनफ ही लगाना जरूरी। तो यहां स्कैनफ लगा दिया हमने। अब यहां लिखेंगे परसेंटी। परसेंटी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटी, दैट्स व्हाई हम यहां परसेंटी लिख रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटी लिख दिया हमने। और यहां पर एड्रेस ऑफ ए, यानी ए का एड्रेस। ओके, इसके बाद फिर नीचे आकर के यहां पर हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना। सबसे पहले इंक्रीमेंट कराते हैं, तो हमने वेरिएबल लिया है a, तो यहां कर देंगे a प्लस प्लस। ठीक है, और अब क्या करना है, यहां देना है प्रिंट एफ। ओके, और प्रिंट एफ दे करके यहां पर वो मैसेज देंगे, जैसे मैं देता हूं परसेंट डी इज द नंबर आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके, तो ये दे दिया हमने, और इसको किया क्लोज, और ए में जाकर के वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहां पे ए दे दिया हमने, और अब यहां पर रिटर्न जीरो दे देंगे, तो ये रिटर्न जीरो कर दिया हमने, और ये ब्रैकेट को किया क्लोज। आइए अब इसको सेव करने की बारी, तो यहां से सेव करते हैं इसे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इन डॉट सी, ये नाम दे दिया हमने, एंटरप्रेस किया, और अब यहां से इसको सबसे पहले कंपाइल करवा लेते हैं। तो ये देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम, अभी हमने इंक्रीमेंट करा है इसे। तो चलिए ये देखते हैं इंक्रीमेंट में क्या होगा। इंटर नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे 100 इंटर करता हूं, तो इंक्रीमेंट करने के बाद 101 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 101 आ रहा है, सही है। चलिए एक बार और इसे रन करते हैं और जानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप यहां से कंट्रोल के साथ F10 भी दबा सकते हैं रन करने के लिए। यहाँ पे मैंने रन किया इसे, और यहां पर अब मैं एंटर करता हूं 5, तो इंक्रीमेंट करने के बाद ये 6 आएगा। तो यहां देख सकते हैं 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक बार और चला लेते हैं इसे। ठीक है, अब की बार यहां हम 7 एंटर करते हैं, तो यहां 8 आएगा। तो यहां देख सकते हैं कि ये इंक्रीमेंट क्या होता है, और इसका प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं, क्या कोई एरर आएगी या नहीं आएगी, ये सबको सब कुछ आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कोई एरर नहीं है, ये हमने इंक्रीमेंट करा है। ठीक है, अब चलिए अब डिक्रीमेंट कर देते हैं इसको। बस आपको यहां लिखना है डिक्रीमेंट, ये मैसेज जो है वो मैं चेंज कर देता हूं, इसे मैं इसकी जगह लिख देता हूं डिक्रीमेंट। ओके, तो यहां लिख दिया हमने डिक्रीमेंट। ठीक है, और डिक्रीमेंट किया हमने, और यहां पर माइनस माइनस कर देंगे, यहां ए प्लस प्लस किया हमने, इसको कर देंगे माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा डिक्रीमेंट। तो ये हो गया डिक्रीमेंट। अब इसको कर दीजिए यहां से सेव, और अब इस प्रोग्राम को हमें चलाना है, तो कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, और यहां से करेंगे रन। अब इसमें एक नंबर मैं एंटर करता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने एंटर किया 66, तो ये 65 आएगा डिक्रीमेंट करने के बाद। तो यहां देख सकते हैं कि ये 65 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब यहां एक बार और मैं कंट्रोल के साथ F10 दबाता हूं, तो ये प्रोग्राम रन हो गया हमारा। और अब मैं एंटर करता हूं 8, तो यहां 7 आना चाहिए, तो यहां देखिए 7 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लूप में कैसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।